हर महादेव, जय श्री केदार। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारी सुबह 3:30 बजे की बस है, अब बज रहे हैं 2, अभी बस 2:30 बजे के करीब हम यहाँ से निकलने वाले हैं, यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं। एक हमारे भाई फ्रेश होकर आ गए हैं और 2-3 अभी हमारे भाई ऐसे ही पड़े हुए हैं, अभी उनको हम 2-3 लगा कर उठाएँगे, उनको फटाफट तैयार करवाएंगे और वो हमारे साथ चलेंगे। पास में ही बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास टीरी गढ़वाल वालों का ऑफिस है, उन्हीं की बस है और उन्हीं की बस में हम जाएंगे। ये आ गया भाई आदित्य भाई, ये भी हमारे साथ जाएंगे केदारनाथ यात्रा बाय बस के थ्रू हम जाएंगे, हाँ जिग-जैग करके। और एक भाई हमारा सोया पड़ा है, ये रहा, अभी उठ ही नहीं रहा, उठ ही नहीं रहा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी कितना टाइम हो गया, बस लेट है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। उठ जो भाई, उठ जो, एक भाई हो रहा, एक भाई हो रहा, मिलते हैं फिर सोन प्रयाग में। हर हर महादेव। तो हम निकल चुके हैं अपनी बस जो कि 3:30 बजे की है, जो कि हमें ले जाएगी सोन प्रयाग। तो चलिए चलते हैं अपनी यात्रा पर। हर हर महादेव। जय हो। दिल की बात गुरु से कहना। वाह। हरिद्वार से सोन प्रयाग की यात्रा में ये सुंदर व्यू, जो कि पर्वतों पर बादल छाए हुए हैं, बादल पर्वतों के बिल्कुल नीचे हैं, पर्वत इतनी ऊपर हैं कि बादल नीचे आ गए हैं, ये दृश्य देखने के बाद हमारा मन मंत्रमुग्ध हो गया और हमने अपनी बस को यहीं रुकवाने का निश्चय किया ताकि हम इस सुनहरे दृश्य को देख सके और यहाँ पर कुछ फोटोएँ भी हमने क्लिक करी। अब चलते हैं आगे की यात्रा पर। अभी हम पहुंच चुके हैं गुप्त काशी के पास, यहाँ पर थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, इसके बाद हम आगे पहुंचेंगे सोन प्रयाग। हर हर महादेव। तो सोन प्रयाग हम पहुंच चुके हैं, तो यहीं त्रियोगी नारायण का जो ट्रैक जाता है, जो रास्ता जाता है, वहीं पर ही हमने अपना टेंट बुक किया है जो कि 400 रुपये पर हेड हमें मिला है। 5 दोस्त हमें और मिल गए, उनके साथ मिल के हमने पूरा टेंट, यानी कि 3 टेंट हमें मिलेंगे, पर रेट 400 रुपये पे करना पड़ेगा। और रास्ते में एक और नया दोस्त मिला है, उससे मिलवाते हैं। वो निकल गया दल बदल गया। यहाँ का कुत्ता था जो कि बहुत ब्राउनिश कलर, हरे भरे बाल जिसके होते हैं, बड़ा भयंकर डरावना कुत्ता था जो कि यहाँ कुत्ते घूमते रहते हैं। तो चलो मिलते हैं आपको कल गौरीकुंड में ट्रैकिंग करते हुए।